राधे राधे संगवारी हो, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। कैसे हो आप सब? बने बने ना, आप सबके बहुत बहुत स्वागत है मुर्सी जी तड़का वन चैनल में। तो अभी चलत है नवरात्रि, तो आप सब ला नवरात्रि के बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप सब ला स्वस्थ रखे, खुश रखे, मस्त रखे। तो आज फिर मैं आ गया हूँ आप सबके बीच में नया रेसिपी लेके। तो मैं लाया हूँ जिमी कांदा के रेसिपी। ये जिमी कांदा की सब्जी मैं पूरा छत्तीसगढ़ी तरीका से ही बनाता हूँ। तो चलो एक रेसिपी शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले ये जिमी कांदा ले रही हूँ। तो अभी तो मैं छोटे छोटे ले हूँ, और ये बड़े बड़े भी पीस आते, कई जन बड़े लेते, लेकिन छोटे छोटे का है, मैं दो ही जन के लिए बनाता हूँ करके, मैं छोटे छोटे वाला ही पीस ले हूँ। तो जिमी कांदा अच्छा से धो ले रही हूँ, ओकर बाद वाला काट के उबाले के लिए डाल दे हूँ। और इमें थोड़ा सा नमक डाले हों और साथ में इमली डाले हों। इमली डाल के ला अच्छा से उबाल लेंगे, यानी एक से डेढ़ दो सीटी के बीच में ही पकाएंगे, ज़्यादा नहीं। और हम ले लिए हैं झुरगा, झुरगा ला एक घंटा पहले भिगाए के लिए रखते हैं। जिमी कांदा की सब्जी में झुरगा बहुत ही अच्छा लगता है। अब ये जिमी कांदा उबल चुके हैं, तब ला छिल लेंगे और हर छिलका अलग कर देंगे। ये इमली ला निकाल दें, और भी इमली डले इमा। इमली डाले से इमा खुजलाहट नहीं हुए, कई जन ला वो लगते ना कि हल्का जलन से और खुजलाहट लगते, इकर कारण कई जने ला खाए में अनाकानी करते। तो जिमी आप इमली डाल के बनाओ ना तो ये बहुत अच्छा बनता है। अब ये हमारे जिमी कांदा छिला गए है और झुरगा भी अच्छा से भीग चुके हैं। तो झुरगा ला हम थोड़ा से उबाल लेंगे, हल्का से नमक डालेंगे और ये लोग उबाल देंगे। जिमी कांदा ला छिल के अलग काट ले हैं और कुछ देर के लिए ला धूप में रख देंगे। अगर आपके पास धूप यानी बालकनी नहीं है या धूप के ऐसे नहीं है बदली है, तो आप इला हवा में भी रख सकते हो, ताकि अगर थोड़ा से जो पानी वाला है वो उड़ जाए। और अब मसाला की तैयारी कर लेंगे। तो मसाला के लिए हमें चाहिए प्याज, टमाटर। तो प्याज ला हम काट ले हैं, टमाटर ला और पीस ले हैं, और साथ में प्याज ला भी थोड़ा से प्याज ला अलग करके वहाँ मिर्ची डाल के पीस ले हूँ, और साथ में अदरक भी डाले हूँ। मीठा नीम चाहिए, हरी मिर्ची चाहिए, और धनिया ला बारीक काट ले हूँ। तो अब ये मसाला की तैयारी हो चुके हैं। अब ये जिमी कांदा ला हम तल लेंगे। जो हल्का फुल्का खुजलाहट होते ना, ये भी तले से दूर हो जाते। तो आप जब भी बनाओ ना तो तलना जरूर। कई जन मन तो कच्चा भी तल देते हैं, लेकिन वो सही नहीं है। अब ये हम तेल डाल रहे हैं। मैं नॉर्मल जो तेल यूज़ करता हूँ वही में तला था। बहुत जने ला सरसों के तेल में बनाते हैं, ऊपर से स्वाद और अच्छा बढ़ जाते हैं। एक एक करके मैं जिमी कांदा डाल देंगे। तेल गर्म हो चुके हैं और इला अलट पलट के अच्छे से लाल होते तक तल लेंगे। आप अगर बड़े पीस के जिमी कांदा ले तो, अगर आप लोग कम बनाना है तो ला आप उबाल के तल के रख सकते हो, वो एक हफ्ता तक ख़राब नहीं हुए, फिर जब भी आप लोग बनाना है उखड़ सब्जी बना सकते हो। तो बस इला हम अच्छे से तल लेंगे, लाल होते तक तलना है, अलट पलट के अच्छे से तल लेंगे। छत्तीसगढ़ में तो हम जिमी कांदा बोलते हैं, और दूसरा राज्य में अलग अलग नाम से जाने जाते। आप मन का बोलते हो, आपके राज्य में क्या बोलते हैं, ये भी मैं जरूर बताऊँ। अब एक गाना पक करी से और दूसरा गाना और तला थे। और कोई ऐसे छत्तीसगढ़िया नहीं है जो जिमी कांदा की सब्जी पसंद नहीं है। और इला कई तरीके से बनाए जाते, कई मन खट्टा में बनाते, कई मन मसाला बनाते। तो मैं बनाता हूँ ला खट्टा, और कई जन मन टमाटर वाला भी बनाते हैं, यानी वही मसाला। जिमी कांदा तलगरी से वापस वही कढ़ाई में हम जीरा डाल दें, हरी मिर्ची डालें, और ये मैं मीठा पत्ती डाल देंगे। और जैसे मसाला वाला आप ला बनाना है तो आप वहाँ तेज पत्ती भी डाल सकते हो, खड़ा मसाला भी डाल सकते हो। जीरा हरी मिर्ची तला गए तो खर बाद हमें डाले हैं कटे हुए प्याज।
प्याजला 1 से 2 मिनट के लिए तल लेंगे, यानी भून लेंगे। अभी प्याज भुना चुके हैं, फिर हम जो पिसे हुए प्याज रखे रहे ना डाल देंगे। पिसे हुए प्याज से ग्रेवी बढ़िया आते है, तो ककड़ी पीस के भी डाले हैं। फिर अभी 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। मसाला सब्जी में तीखा ज़्यादा अच्छा लगता है, तो तीखा बढ़ाने के लिए मैं हरा मिर्ची भी पीस के डाल रही हूँ। अब ये भुन चुके हैं, खरबादे में हम डालेंगे पिसे हुए मसाला, तो हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा सब्जी मसाला डाले हैं, और ले अच्छा से मिक्स कर लेंगे। मसाला अभी जरा से भून लेंगे, करवाते हुए हम डालेंगे पीसे हुए टमाटर। पहले भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटर 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। अभी तक ये हम नमक नहीं डाले रहे हूँ, अभी मैं नमक डालूँ और इला ढक के पकाएंगे। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, मसाला भुना चुके हैं। अभी हम जुड़का डाल देंगे। जुड़का भिगाए के बाद उबाल ले रहे हो। उबाले से क्या है, वो कच्चा पन्ना नहीं लगा, और एवं मसाला अच्छा से मिक्स हो जाए करके मसाला के साथ साथ पकाएंगे। फिर से अलग ढक के पकाएंगे। देखो ये मसाला बढ़िया से पक चुके हैं, मैं तेल पे छोड़े लग गए हैं। अभी मैं हम डालेंगे कस्तूरी मेथी और बारीक कटे हुए धनिया पत्ते। ये लभी मिक्स करने के बाद 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। जैसे कि मैं बता रही हूँ, मैं ये सब्जी खट्टा वाला बना था, तो मैं पहले ही दही लपेट के रख ले रही हूँ, और दही में जरा से यानी आधा चम्मच बेसन डाले रही हूँ। अभी अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि दही फटे ना। अगर आप मसाला वाला बनाना है तो बस वही टमाटर के साथ ही ओखरबादे में पानी डाल के आप ग्रेवी कर सकते हो, और जिमीकांदा डाल सकते हो, लेकिन मैं दही वाला बनाता हूँ खट्टा वाला, तो मैं पहले दही डालेंगे, फिर थोड़ा देर भून के ढक के पकन देंगे। सब्जी में दही भी बढ़िया से अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम डाल इले जरा से और भुनेंगे। एक हर बाद में हम डालेंगे तले हुए जिमीकंद। अब चाहो तो पहले पानी डाल के उला उबाल के बाद में जिमीकंद डाल सकते हो, लेकिन मैं मसाला अच्छा से मिक्स हो जाए करके पहले डाला था। और कुछ देर इला यानी 1 से 2 मिनट भुने के बाद मैं डालूँ मैं पानी। ये भुन चुके हैं,
आप जितना ग्रेवी पसंद है ओकर हिसाब से आप रख सकते हो। अभी ढक के पकाएंगे। वैसे तो आप लोग जब पसंद है तब आप बना सकते हो, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादातर दशहरा में और गोवर्धन पूजा के दिन विशेषकर जिमीकंद की सब्जी बनते हैं। अब ये सब्जी बन चुकी है, अब मैं खाना परोस देता हूँ, साथ में सलाद काटे हूँ, दाल भात सब्जी। तो आप सब लोग आज के ये रेसिपी कैसे लगी इस मुझे ज़रूर बताओ, और मोर चैनल में जो नया है मोर चैनल ला लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, अपन दया माया बनाए रहो। तो आज के लिए बस इतना ही, आप सब लोग फिर से एक बार राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय छत्तीसगढ़, जय माता रानी।